कितना नुकसान लगभग हो गया? 30-40 हज़ार से ऊपर ही हो गया। अब तक तो 30 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया, 20 हज़ार की तो गाड़ी है आने और जाने की। कोई बिक्री नहीं हुई है? कुछ भी नहीं, 2 दिन से सिर्फ जेम से खाना पीना सब कुछ खाया। हमारी पर डे की 1 लाख रुपए लगभग की सेल होती थी पिछले बार की अपेक्षा, अभी तो 0 बोनी तक नहीं हुई है। और हमने जब प्रशासन के सामने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि आप अपने जो स्टॉल्स हैं वो लगा सकते हैं लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। ये है कि हमने स्टॉल बुक करवाए हुए हैं तो हम वही है अपना काम कर रहे हैं, 7 दिन रहेंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से पूरा दिन होने जा रहा है, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं लग रहा कि कुछ होगा यहाँ पर। नमस्कार, पैलाग मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज मैं आपको लेकर आई हूँ हल्द्वानी के उत्थान मंच में जहाँ पर उत्तरायणी लगता है। मैं आपको अंदर लेकर जाती हूँ और दिखाती हूँ अंदर का नज़ारा, क्योंकि कोविड की वजह से जो है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होने थे वो फिलहाल नहीं हो रहे हैं, रद्द कर दिया गया है सभी कार्यक्रम को। लेकिन यहाँ पर जो है व्यापारी जो बाहर से आए थे जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं वो लोग अभी भी यहाँ पर हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेज जो है बनाया गया था, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होने थे और सारा बैठने का अरेंजमेंट भी कर दिया गया था, लेकिन कोविड गाइडलाइंस के आने के बाद ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो थे वो रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी आए थे उन्होंने अभी भी अपना स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, और मैं लेकर जाऊँगी आपको, बातचीत करते हैं हम उनसे और जानते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कैसे हालात हैं और कैसी व्यवस्था यहाँ पर है। आपका नाम? मोनिका। यहाँ पर जिस तरीके से गाइडलाइंस के तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर लोग भी कम ही मात्रा में आ रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर आपके नुकसान हो रहा है या फिर क्या क्या कैसा माहौल बना हुआ? नहीं, जो क्राउड आता था वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से ही आता था यहाँ पे। अब दुकानों के लिए तो लोग मेरे ख्याल से मार्केट जाना प्रेफर करेंगे। बस ये है कि हमने स्टॉल बुक करवाए हुए हैं तो हम वही है अपना काम कर रहे हैं, 7 दिन रहेंगे हम यहाँ पे, बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है। पर तो कितना नुकसान आपको हुआ है? कल तो देखो, कल तो वैसे मौसम भी खराब ही था, कल तो क्राउड बिल्कुल, शाम को थोड़े से लोग आए थे वो भी गोलगप्पे टिक्की खाने के लिए आए थे, इधर तो कोई आया नहीं। आज देखते हैं, अभी खरीदारी के लिए लोग जैसा उन्होंने कहा कि मार्केट जाना पसंद कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। चलते हैं और व्यापारियों से बात करते हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। तो अभी तक आपको ये सेटअप पूरा लगाने में, यहाँ आने में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी इस भीड़ तो बिल्कुल नहीं आ रही? नहीं मैडम, बिल्कुल भीड़ नहीं आ रही है, पिछली बार से बहुत ही कुछ मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे क्राउड नहीं है, नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि उनका कहना है कि नुकसान हो रहा है, तो मैं जान लेती हूँ कि कितना नुकसान इस साल आपको हो जाएगा। इस साल कब से कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार रुपये तो होना ही होना है। 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि अभी सुबह से 2 से 3 कस्टमर आए हुए हैं, जिस तरीके से पूरा दिन होने जा रहा है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं लग रहा कि कुछ होगा यहाँ पर। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि सुबह से सिर्फ 2 या 3 ही कस्टमर यहाँ पर आए हैं और नुकसान बहुत हो गया, लगभग 50-60 हज़ार का। इनसे भी मैं जान लेती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? तरुण। सर कैसी स्थिति यहाँ पर इस वक्त है? इस टाइम तो कोई आ ही नहीं रहा मैम, कोई भी नहीं आ रहा। नहीं। तो कितना नुकसान लगभग हो गया? 30-40 हज़ार से ऊपर ही हो गया। आपको 30-40 हज़ार का नुकसान ऊपर ही हो गया? हाँ। तो जिस तरीके से आपने जाना कि उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं आ रहा है और नुकसान हो रहा है हर एक व्यापारी को यहाँ पर, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? चंद्रशेखर जोशी। आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया और गाइडलाइंस के बाद से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान में हमारी पर डे की 1 लाख रुपए लगभग की सेल होती थी पिछले बार की अपेक्षा, अभी तो 0 बोनी तक नहीं हुई है, तो नुकसान काफ़ी हुआ है। और अब ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या पता फिर हमें सामान वापस ले जाना पड़े। हाँ, क्योंकि अब निकलेगा नहीं तो क्या करेंगे यहाँ क्या अपना रहना तो है। कितना सामान अभी तक, कितने का सामान बिक गया? हमारा अभी तो बोनी तक नहीं हुई है, नहीं हुई है। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि 1 लाख की सेल हो जाती है। हाँ, हमारी 1 लाख लगभग 50 हज़ार से 1 लाख की, और लास्ट ईयर इतनी सेल हो जाती थी। दिन की? मतलब 2 दिन में मान के चलो 40-50 हज़ार पर डे की सेल थी हमारी। 40-50 हज़ार पर डे की सेल हो जाती थी, और इस वक्त 7 दिन तक अब आप यहाँ पर हैं और इस हिसाब से तो कोई भी पैसा नहीं आएगा। बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम न होने से लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आते हैं तो लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है इस बार। हमारा तो पूरा मतलब ये मान के चलो मेरे पास जो अभी माल है 7-8 लाख रुपये का माल पड़ा है। हाँ, सारी दालें हैं, राजमा, ये हमारी मुंशारी की राजमा, बिस्कुट जो भी है पहाड़ी, हमारे पास जैविक, हमारा जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड वन संसाधन पर बंधन, ये जापान का प्रोजेक्ट है, ये हमारे वित्त पोषित, हमें, मैं रानीखेत से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि देखिए कितना सामान इनका यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, अब मैं आपको अगली दुकान में लेकर जाती हूँ और बातचीत करते हैं उनसे भी कि क्या स्थिति है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका नाम? जॉन।
आप देख सकते हैं किस तरह से रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान इन्होंने लगाई और बेहद ही खूबसूरत लग रही है। तो मैं जान लेती हूँ भैया, कोविड के गाइडलाइंस आने के बाद से कैसी स्थिति यहाँ पर है, कितना नुकसान हो गया है? नुकसान तो है ही मैडम, सारे देश में ही नुकसान की स्थिति चल रही है इस समय तो। वैसे कोरोना काल को देखते हुए स्थिति सब सिस्टम बिगड़ा हुआ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम को मना कर दिया गया है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ जी, इफेक्ट तो सबके ऊपर ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो व्यापारी लोग हैंगे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उनको। जी, तो लगभग अभी तक कितने का नुकसान हुआ है, कुछ बिक्री हुई है या फिर नुकसान ही हो रहा है? अभी तो मैडम होने वाला था यस्टरडे में उद्घाटन, लेकिन अभी टुमारो का उन्होंने किया है पेपर वगैरह में। तो अभी उम्मीद है कि कल से थोड़ा या आज से क्राउड अभी है। बारिश वगैरह का भी हो रहा था मैडम इसमें, तो अभी मौसम खुला आएगा तो अब देखिए जो भी रहता है। साथ में हमारे साथ एक और व्यापारी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं सर कितना नुकसान हो रहा है। अब तक तो 30,000 रुपये का नुकसान हो गया, 20,000 की तो गाड़ी है आने और जाने की, लेबर है, आदमी लोग हैं, खाने पीने का खर्चा लगा के 30,000 अब तक हो गया खर्च। जी, तो कहीं उम्मीद दिख रही है एक रोशनी की किरण की, हाँ कहीं ना कहीं वसूल हो जाएगा। ये स्टेट के प्रोग्राम ना हो, स्थिति कार्यक्रम प्रोग्राम नहीं हो, अगर इस पोजीशन पे कुछ सौदा बिक जाएगा तो खर्चा पानी निकल ही आएगा हमारा, फ़ायदा तो नहीं होगा मगर किराए के लिए पैसे हो जाएंगे जाने के लिए। तो उनका मानना यह है कि अगर थोड़े बहुत प्रोग्राम यहाँ पर हो जाते हैं या फिर लोग आते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े लोगों ने आना शुरू भी कर दिया है, तो उनसे क्या होगा, उन लोगों के आने से इनका खर्चा जो है वो निकल जाएगा पूरी तरह से। मेरा नाम गंगा नेगी। जिस तरह से आपने यहाँ पर दुकान लगाई है और अभी फिलहाल क्राउड पब्लिक तो आ नहीं रही है, तो कितना नुकसान हो गया मैम? नुकसान बहुत हो गया मैम, 4,000 तो दुकान का किराए का हो गया, प्लस 3-4,000 का सामान लाए हैं। कितनी उम्मीद से यहाँ आए थे? तो बहुत उम्मीद से आए थे कि अच्छा होता था, यहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, इस बार बहुत नुकसान हो चुका है। हाँ, बहुत नुकसान हो गया जी मैम। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोगों की खुद की दुकान होने के बावजूद हम लोगों ने सोचा था कि बहुत ज़्यादा काम होता है हर बार, इस चक्कर से इस बार यहाँ आए क्योंकि इस बार ये लॉकडाउन कोरोना की वजह से बहुत ही पहले से नुकसान हुआ है। कुछ उम्मीद थी कि यहाँ आगे कुछ काम होगा करके, हमने सारा सामान लाया, ये सामान ऐसे लगाने की भी जगह नहीं मिल पा रही अच्छे से, और हम लोग को लगाए नहीं लगाए मतलब दो कल से दो मन हो के हमने सामान ऐसे रखा हुआ है, सामान ऐसे ही रखा है, लगाने की भी जगह नहीं मिल रही। हाँ, जगह भी मतलब मिल भी रही है तो ऐसा हो रहा मतलब कि क्या करे वाला हिसाब हो रहा, क्योंकि काम हो नहीं रहा, मन लग नहीं रहा, कोई आ जा नहीं रहा है, क्योंकि जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे तभी जाके थोड़ा सा लोग आते थे, हाँ अब ऐसा ही है, लोग आ रहे हैं खाली एक दूसरे के दुकान वाले एक दूसरे का सामान ले रहे हैं तो ले ले रहे, बाकी वैसे भी नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है कुछ। तो जिस तरह से आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि दुकान वाले एक दूसरे का सामान ले रहे हैं तो बिक रहा है, लेकिन वैसे कोई नहीं आ रहा है सामान लेने के लिए, और लगातार हम आपको व्यापारियों से मिला रहे हैं, आप देख सकते हैं कि महिला व्यापारी भी यहाँ पर हैं जो बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए यहाँ पर आई थी, और उनको लगा था कि काफ़ी सेल अच्छी हो जाएगी, लेकिन कोविड गाइडलाइंस आने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पर उनको रिजल्ट इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। आप लोगों ने यहाँ पर झूला लगाया है तो अभी तक कितना नुकसान हो गया, क्योंकि इसको तो लाने ले जाने में भी काफ़ी खर्चा आ जाता है। हाँ, नुकसान तो काफ़ी हो गया जी, अभी तो यहाँ पर काम वाम का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है ना, लंबा लोडिंग पड़ गया फिर जाना आना। अच्छा, शाम के टाइम पे भी नहीं चल पा रहा? ना ना, अभी नहीं चला, अभी नहीं चला। तो कुछ उम्मीद लग रही है? हाँ, देखते हैं आज क्या होता है। कितना खर्चा हो गया लगभग? खर्चा तो तकरीबन 20,000 के लगभग, 20,000 के लगभग लग चुका है। तो उम्मीद है कि इतना मिल जाएगा या फिर इससे ज्यादा, क्या उम्मीद है अभी? अभी देखते हैं, काम चलने के ऊपर है ना, काम चलने के ऊपर है। किसी का लाख का नुकसान भी हुआ है, किसी का 20-30 हज़ार का, किसी का 50,000 का नुकसान भी हो गया है। हमारे यहाँ पर वंदे मातरम ग्रुप के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, तो इनसे भी जान लेते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार, आपका नाम? शैलेंद्र सिंह दानू। सर, जिस तरह से आपने देखा कि कोविड गाइडलाइंस आने के बाद जो है मेला स्थगित हो गया है और यहाँ पर बहुत से व्यापारी आए हुए हैं, तो इनके नुकसान को लेकर क्या अपील, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे तो उसके गाइडलाइन हमें परमिशन नहीं मिली है, लेकिन जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम बताई कि जो यहाँ पे व्यापारियों की प्रॉब्लम है, ये दूर दूर से सीमांत गांव जैसे मुनसारी जैसे क्षेत्रों से आए हुए हैं, तो इन्होंने इतनी चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्ट बना भी लिए हैं अपने जो स्वयं सहायता समूह है, तो गवर्नमेंट हमने जो प्रशासन के सामने ये बात रखी तो उनने कहा कि आप अपने जो स्टॉल्स हैं वो लगा सकते हैं लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, तो हम क्या कहते हैं अब इन्हें यही लगा रखे हैं, बस यही हमारा चल रहा है स्टॉल। स्टॉल लगाने की परमिशन मिल गई है लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। जी जी, लेकिन नुकसान जो इनको हो रहा है लगातार, उसको लेकर क्या आगे कार्रवाई होगी? बस वो है, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आइए, जो हमारे पहाड़ी उत्पाद यहाँ पे बनाए हुए हैं लोगों ने इतनी मेहनत से, आप वो खरीदिए, इसी को लेके हम प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत कमाल की बात है। जिस तरीके से आपने सुना कि सर ने कहा कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइए और यहाँ पर ख़रीदारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्राउड जो है वो कम है और लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। आपका नाम? जीतू।
कितना नुकसान इस वक्त हो रहा है क्योंकि क्राउड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो कितना नुकसान हो गया है? दो दिन से ऐसे पड़े हैं यहाँ पर अभी आके, कोई बिक्री नहीं हुई है, कुछ भी नहीं, दो दिन से सिर्फ जेब से खाना पीना सब कुछ खाया है। से कितना नुकसान हो गया है फिलहाल? नुकसान क्या होता, जो होते रहे नुकसान ही नुकसान है, हम तो नौकर हैं फिलहाल में, सेठ जी का है नुकसान ज्यादा था। अच्छा, फिर भी हमें उनके हिसाब से दिखता है कि कितना ज्यादा है। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि व्यापारियों को काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है और उन्होंने यही बात कही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं आ रही है, तो न्यूज 31 उत्तराखंड आपसे यही अपील करता है कि आप लोग यहाँ पर आइए और सामान खरीदिए, जो आपको जरूरत का सामान है वो ले जाइए ताकि व्यापारियों को ज्यादा नुकसान ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।